अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, अनदर डे, अनदर मॉर्निंग। और भाई मौसम चेक कर सकते हो, काफ़ी सुहाना मौसम हुआ है। आए हैं बजे, मैंने डालते हैं ये कोई रोटी बची हुई थी ब्रेड, तो ये ब्रेड का पीस साफ है, सबसे पहले इधर रख देता हूँ। ये पता पीस करना होगा, कपड़े ज़रा बचाने होंगे क्योंकि अंदर कीचड़ है। और ये ब्रेड है, इसके पीसीस करके तोतों को डालना है। तो अब तोतों का काम थोड़ा मुश्किल है, इससे मैं कैमरा बंद करके पहले इन्हें डालता हूँ। तो बॉयस हम आ गए निशान में, तो करना ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर खिलारा मचा हुआ है। ये जंपर केबल इसकी पड़ी हुई है जिससे लास्ट टाइम से स्टार्ट किया था। तो एक काम ये करना है कि पहले इसकी बैटरी की टर्मिनल पे आई हुई है काफ़ी ज़्यादा कार्बन, उस कार्बन को साफ करना है सैंड पेपर की मदद से। दूसरा इसकी बैटरी को भी कपड़े से भी साफ़ करना होगा जो आसपास लगी हुई होगी कार्बन। उसके बाद इसकी बैटरी चार्ज करवाने भेज देनी है, और चार्ज करवाने के बाद जो है इसे एक बार स्टार्ट करेंगे। और जहाँ तक इसकी फ्यूल एवरेज की बात आई तो इसकी फ्यूल एवरेज बड़े तमीज़ से चलाने पर, तो मैं कह सकता कि अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो इसकी फ्यूल एवरेज तमीज़ से चलाने पर कोई 10 दे रही है, शहर के अंदर 10-11 बहुत तमीज़ से चलाओ तब। तो इसमें सीएनजी किट तो लगी हुई है, तो एक काम ये हो सकता है कि सीएनजी किट चालू करवा लें, सीएनजी किट सेट करवा के उम्मीद है कि एवरेज 18-20 तक आ जाएगी। सीएनजी पे नहीं चलाना, एलपीजी जो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो सिलेंडर में वही डलेगी और सेटिंग उसके मुताबिक हो जाएगी। तो उम्मीद है कि सब कुछ सही रहे। तो उसकी मोटर भी शीशे की बारिश की वजह से ना ख़राब हो गई हैं, इसलिए शीशे की मोटर भी ख़राब है, बैक वाले दोनों शीशों की मोटरें ख़राब हैं, तो वो मोटरें भी नहीं डालनी होंगी। इसका मेन मसला ये है कि जब भी बाहर खड़ी रहती है ना हर टाइम बारिश वगैरह हो तो पानी दरवाज़ों के अंदर जाता है, और ज़्यादा हो जाए बारिश तो फिर वो मोटरें फारिग हो जाती हैं। बैटरी भी इसकी डेड बार बार इसी वजह से होती है कि बाहर टेम्परेचर की जैसे वो ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो अब तक तो यही है, पहले इसकी टर्मिनल दिखाता हूँ, टर्मिनल की सूरत हाल क्या है। तो यार ये इसका काफ़ी ज़्यादा कार्बन लगा है टर्मिनल्स पे भी, वो भी साफ़ करना होगा, और देखते हैं आगे भाई क्या होता है। बैटरी की हालत में तो बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है, ये देखें जी कितना कार्बन जमा है इसके टर्मिनल्स पर। बैटरी पर भी एक गन सा लगा हुआ है, इसके हैंगर पर भी एक गन सा लगा हुआ है। तो भाई अभी इसे साफ़ करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं कि क्या बना है, क्या हालत हुई है फिर इसकी बैटरी की। तो भाई बैटरी साफ कर दी है, ऐसा कि देख सकते हो ऊपर से सारा का सारा कार्बन हट गया है, टर्मिनल्स में भी देख सकते हो किस तरह चमक रहे हैं। और ये इसका ऊपर ब्रैकेट था, इस पर भी ढेर सारा कार्बन लगा हुआ था, तो वो भी साफ कर दिया। भाई इस बैटरी का जो काम था वो यहीं तक ही था फिल वक्त के लिए, क्योंकि बाद में से चार्ज करवाने के लिए भी भेजना है। तो एक और जो काम है ना वो ये आपको बाहर जा कर दिखाता हूँ। और ये देखो यार एग्जॉस्ट है ना एक टेढ़ा हुआ हुआ है, इसका पुश टूटा हुआ है, तो इसका भी हिसाब किताब लगाना है। तो अब इसका हिसाब किताब लगाते हैं जहाँ से। तो यार मैंने जो होती है लोहे की तार सी, हाँ
इसे मैंने डबल कर दिया, तो इसको मैं एग्जॉस्ट के लपेट के ना ऊपर से बांध दूंगा ग्लास की मदद से। तो चलिए करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब यार निशान की बैटरी भी भिजवा दी है चार्ज होने के लिए, अभी मैकेनिक आया था लेने के लिए। और मेहरान का जो इशू था वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, बैटरी के बिल्कुल कोने में करके एक ग्रिप सा लगा हुआ था वो लूज़ था, उसने दबाया स्टार्ट किया तो स्टार्ट होगी गाड़ी। तो भाई अब देखो रात तक इंशाल्लाह बैटरी चार्ज होकर आ जाएगी और ये फिर गाड़ी फर्स्ट स्टार्ट पे आ जाएगी। तो उसके बाद जाके इसमें पहले थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे, फिर इसमें वो गैस जो LPG है वो डलवानी है, फिर मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे, इसकी पेट्रोल की भी सेटिंग कराएंगे और गैस की भी, और उम्मीद है कि गाड़ी अच्छी एवरेज दे रहे हैं इंशाल्लाह। तब तक ये आज हो सके तो गाड़ी मैं शायद साफ़ भी करूँ, क्योंकि बारिश हुई है साफ़ तो है लेकिन मिट्टी फिर भी लगी हुई थोड़ी थोड़ी। तो करते हैं देखते हैं क्या होता है। एक सिलाई सी चलो वही जल्दी डिसाइड करो क्या करना है। हमारी पिक्चर खींच हो गई है, सीरियस वाली खींच, सीरियस वाली है, देख सही आई है ना दोनों जी 1000 रुपये की डील है एक, और इस सारों के पैसे भी चोरे हैं। हाँ ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग में ऐड करेगा तुम लोग, हाँ मशहूर हो जाओगे, मशहूर हो जाओगे। हाँ तो बस गाड़ी की बैटरी चार्ज होकर आ गई है, जैसा कि देख सकते हैं कपड़े में लिपटी हुई बैटरी, और वो जंपर केबल्स मामों को चाहिए थे वो भी देकर गए हैं। और चलो दोस्तों के साथ ही आपका फिर जिम चला गया, और आपको एक सैड चीज़ दिखाता हूँ। मैं जिम जाने से पहले ये अंकल गाड़ी रिवर्स कर रहे थे, मैं इधर ही खड़ा हुआ था, मैं गेट में चाबी लगाने के मुड़ा हूँ, ढस की आवाज़ आई है, पीछे मुड़ के देखा है तो बम्पर हमारा है टूट गया, बड़ा दुख हुआ है कसम से। हाय हाय क्या तो उस टाइम मिनी हार्ट अटैक आया ना, जो आवाज़ सुनिए ठल करके जो आवाज़ आई है। चलो लेकिन ये छोटी छोटी नुकसान तो ज़िंदगी के से हैं, लगाते हैं गाड़ी में बैटरी उसके बाद इसे इसकी मौत से उजागर करते हैं। तो पहले ये इसके ब्रैकेट्स हैं, ये हम लगा लेंगे सुबह, अभी सिर्फ गाड़ी बैटरी गाड़ी में रखते हैं और इसे करते हैं स्टार्ट। ये इसका बोनट भी अच्छा खासा भारी है, चलो जी ये पॉजिटिव। अच्छा मुझे अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बैटरी रखनी है। तो वाइज मैं बोल ही जाऊँ कि पॉजिटिव ग्राउंड होता है या नेगेटिव ग्राउंड होता है, अगर टर्मिनल पुट्ठे लग के तो गाड़ी ने मारना पटाखा। तो इधर एम्प से देखेंगे कि इधर अगर आप देख सकते हो तो ये पॉजिटिव 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव 12 वाली वायर है ना वो बैटरी के साथ जाके कनेक्ट हो रही है, और जो ग्राउंड है वो नेगेटिव होता है। तो होप फॉर बेस्ट कि जो पॉजिटिव वायर है वो वायर है जिसके साथ एम्प कनेक्ट हुई हुई है। ये पॉजिटिव वायर है और ये आम की तार है, और ये
तो यार हमारी बैटरी के साथ लग गई है कि गाड़ी हो जाए स्टार्ट इंशाल्लाह। गाड़ी न्यूट्रल है, क्लच दबाया और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तार नहीं लगी हुई सही से, तार सही लगा के मैं फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो बॉयज गाड़ी हो गई है स्टार्ट मेरी बड़ी ट्राइज के बाद, क्योंकि टर्मिनल बार बार जाता है हिल, मतलब इसमें से चाबी ढूंढते हैं 13 की, यस ये है, और टर्मिनल कर देते हैं टाइट जो हमने किया था लूज, तब तक गाड़ी स्टार्ट रहे। आपने आवाज़ सुनी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इससे ज़्यादा आवाज़ दिखाएंगे क्योंकि आप वो देखें, उसके साथ हम पंगा लेने जा रहे हैं, अंदर जा रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।